तो ये है मेरा करंट डेस्क सेटअप जो कि बहुत ही बेकार है, और आज के इस वीडियो में हम इसे करने वाले हैं अपग्रेड टू माय ड्रीम सेटअप। सो लेट्स डू सम शॉपिंग एंड लेट्स मेक दिस थिंग। तो अभी फिलहाल तो मेरे पास एक लैपटॉप है जो कि बहुत ही अच्छा चल रहा है, बट इसमें कुछ चीजें हैं जो मिसिंग है, जैसे कि इसके अंदर बस 8GB का रैम है जो कि सफिशिएंट नहीं है वीडियो एडिटिंग, फोटो एडिटिंग और गेमिंग के लिए। तो हमें सबसे पहले एक रैम परचेस करना है, तो ये एक रैम मुझे अच्छा लग रहा है तो मैं इसको ऐड टू कार्ट कर लेता हूँ। अभी यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस है, बट ये जो मॉनिटर है ये मुझे स्पेशली बहुत अच्छा लग रहा है और ये अपने बजट में भी है, तो इसको ऐड टू कार्ट कर लेते हैं। अभी हमें एक माउस और कीबोर्ड की जरूरत है, तो एक माउस और कीबोर्ड लेते हैं। तो ये माउस और ये वाला कीबोर्ड मुझे अच्छा लग रहा है तो मैं इन्हें भी ऐड टू कार्ट कर लेता हूँ। तो अभी और दो चीजें जो मुझे ऑर्डर करनी है, जो कि मेरे लिए नहीं है, मेरे सिस्टर के लिए है, पर वो भी डेस्क के ऊपर ही रहेंगी, तो उन्हें भी ऑर्डर कर लेते हैं, जो कि है iPad Air 5th जनरेशन और Apple Pencil जनरेशन 2। और अभी हमारा टोटल हो रहा है 82,182 रुपीज, जो कि क्रेजी है। अभी आई गेस हमारे पास सारी चीजें जो हमें चाहिए एक डेस्क सेटअप बिल्ड करने के लिए, तो इन सबको मैं ऑर्डर करता हूँ और मैं आपको मिलूंगा जब ये सारी चीजें डिलीवर हो जाएंगी। तो फाइनली गाइस सारी चीजें डिलीवर हो चुकी है, अब इन सबको अनबॉक्स करते हैं और डेस्क को सेटअप करते हैं, देखते कैसा लगता है। सो लेट्स गो, लेट्स मेक दिस शिट हैपन। डेस्क तो सेटअप हो गया, अब मैं एक छोटा सा टूर देता हूं आपको मेरे ड्रीम सेटअप का। सो इन 1 2 3 दिस इज माय डेस्क। And this is how it looks. Let me know your thoughts in the comments. इसके ऊपर मैं बहुत सारे freelance project edit करने वाला हूँ। अगर आपको जानना है कि how to become a freelance video editor या फिर how much you can earn as a freelance video editor, आप इन दोनों में से कोई भी एक वीडियो देख सकते हो। I'll meet you in the next one. Till then, #BeCreative, keep creating. Peace out.